नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञानम के HPGK के वीडियो में। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रिवर्स से जरूर पूछा जाता है। इसमें बच्चे रिवर्स के वैदिक नेम और संस्कृत नेम में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस वीडियो में हम रिवर्स के वैदिक नेम, संस्कृत नेम और ओरिजिन डिस्कस करेंगे और साथ में आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताएंगे, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में इन रिवर्स से आने वाले क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिवर्स से। तो हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ में सबसे पहली रिवर आती है आपकी रिवर चिनाब। अब चिनाब की बात करें तो चिनाब निकलती है आपकी बारालाचा पास। अगर बारालाचा पास की बात करें तो बारालाचा पास है आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। तो चिनाब नदी बारालाचा पास से लाहौल स्पीति से निकलती है। सबसे पहले ये दो रिवर से मिलके बनती है, चंद्रा और भागा, और चंद्रा और भागा एक स्थान पे लाहौल स्पीति में मीट करके उस स्थान का नाम है टांडी, चिनाब नदी का निर्माण करती है। अगर चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी है। अगर वेदों में बात करें तो चिनाब नदी का वेदों में नाम बताया गया है अश्किनी, और संस्कृत में बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया चिनाब नदी चंद्रा और भागा दो रिवर्स से मिलकर बनी है, तो इसका संस्कृत नेम भी चंद्रा और भागा है। अब दोस्तों, इस चिनाब नदी का वैदिक नेम और संस्कृत नेम याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का सहारा लेंगे। वो ट्रिक है चीना की आशिकी में चंद्र भागा। आप सबको याद रखना है क्या है ट्रिक, चीना की आशिकी में चंद्र भागा। चीना एक लड़की का नाम है, उसकी आशिकी में चंद्र भागा। तो चीना से आपने याद रखना है, चीना है रिवर चिनाब और आशिकी से इसका वैदिक नाम है अश्किनी, और चंद्र भागा से इसका संस्कृत नेम है चंद्र भागा। अब बात करते हैं दूसरी रिवर्स की। तो दूसरी रिवर्स है आपकी रावी। रावी निकलती है बड़ा बंगाल से, और बड़ा बंगाल है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। बड़ा बंगाल से निकलने के बाद ये चंबा को लगभग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और चंबा में रावी के नाम पे रावी वैली भी है आपकी। तो बड़ा बंगाल से निकलती है, उसके बाद वेदों में जब बात की गई तो इनका नाम हमने पुरुषानी देखा गया। वेदों में रावी नदी का नाम है पुरुषानी। अगर संस्कृत की बात करें, संस्कृत का नाम है इरावती। अब जैसे हमने पहले की ट्रिक देखी, दूसरी रिवर्स की भी हम ट्रिक देखेंगे। अब रावी, रावी से पता चलता है कि ये एक मेल का नाम है, एक पुरुष का नाम है, और पुरुष के नाम से इसका वेदों में नाम लिखा गया पुरुषानी। तो आपने जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपने सोचना है रावी किसका नाम, एक पुरुष का नाम है, इसलिए इसका नाम पुरुषानी पड़ा। अब संस्कृत नाम की बात करें इरावती। अब इरावती की बात करें तो इरावती में आपको बीच में ये दिख रहा है रावती, राव, राव मतलब रवि, रवि से राव रिलेट कर रहा है। रवि का संस्कृत नाम है इरावती, राव पे आपने फोकस करना है। तो हमने देख लिया रावी निकली बड़ा बंगाल से जो है कांगड़ा में, फिर चंबा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके अब इनका वेदों में नाम है पुरुषानी और ये नाम है इरावती। हमारी दो रिवर्स होगी। तीसरी रिवर्स जो हिमाचल प्रदेश में है वो है आपकी ब्यास रिवर। ब्यास रिवर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक रोहतांग पास है, वहाँ से निकलती है। पहली दो स्ट्रीम से निकलती है, एक का नाम है ब्यास ऋषि, दूसरा का नाम है ब्यास कुंड। ये दो रिवर्स एक स्थान पे मनाली के पास एक गांव में मिलती है जिसका नाम है पालाचन विलेज। उसके बाद ब्यास रिवर बनके बहती है कुल्लू मंडी हमीरपुर कांगड़ा के बाद फ्लो होके ये पंजाब में मिल जाती है। अब ब्यास नदी का वेदों में बात करें तो इसका नाम है अर्जिकिया। अर्जिकिया वेदों में है और संस्कृत में इसका नाम है विपाशा। अब इसी का भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज होगा, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक के सहारा लेना है। तो ट्रिक की बात करें, ब्यास नदी का याद रखना, ब्यास रिवर के तट पे
विपासा ने अर्ज किया, अर्ज किया उर्दू वाला अर्ज किया है, ब्यास रिवर के तट पे बैठ के विपासा लड़की है उन्होंने अर्ज किया है। क्या होगी हमारी ट्रिक? व्यास रिवर के तट पे बैठ के विपासा ने अर्ज किया। अगर ब्यास रिवर तो आपको पता है ब्यास रिवर, अब विपासा, विपासा तो किसका नाम हो गया आपका, संस्कृत नेम हो गया ब्यास रिवर का। अगर अर्ज किया की बात करें हैं तो इसका जो वैदिक नाम है वो है अर्ज किया। दोस्तों आपको क्या करना है, इस ट्रिक्स को आपने बार बार रिपीट करना है ताकि आपको जब एग्जाम में आए तो ये ट्रिक याद आ जाए और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। अब अगर तीसरी रिवर्स की बात करें तो यू है रिवर सतलुज। सतलुज की बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है और वेदों में इनका नाम है सुतुद्री, सुतुद्री। और संस्कृत की बात करें तो नाम है इनका शातद्रु। तो दोस्तों आपने याद रखना है सतलुज, सतलुज, सुतुद्री, शातद्रु। अब इसमें आपको वैदिक और संस्कृत नेम में कंफ्यूज होगा तो इसलिए आपने एक बात का सहारा लेना है। देखो सतलुज में है सात, सात को संस्कृत में क्या बोलते हैं, संस्कृत को शातः, तो इसलिए शातः, इसलिए संस्कृत में इसका नाम हो गया शातद्रु, शातद्रु। तो संस्कृत नाम याद रखना है और वैदिक नेम फिर उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा शुतुद्री। अब अंतिम रिवर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सबसे नॉर्थ में जो रिवर है वो है रिवर यमुना। अब रिवर यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, उसके बाद यमुनोत्री में एक पर्वत है कालिंद पर्वत, कालिंद पर्वत से निकलने के बाद इनका नाम कालिंदी है, वेदों में वर्णन किया। तो यमुनोत्री कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री के कालिंद पर्वत से, और कालिंद पर्वत के कारण ही इनका वैदिक नाम कालिंदी रखा गया है। और यमुनोत्री हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के एरिया को टच करती है और हिमाचल और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी रिवर्स के बारे में। अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हिमाचल प्रदेश की आपको किस सिलेबस की वीडियो चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।